हाफ सीए का आपने पोटिशन कहाँ दिया और किसको दिया? छूट बस इतनी होती है कि काम आप इतने सारे सालों से ऑडिशन जब दे रहे तो कास्टिंग सारे लोग आपको जानने लगते हैं कि आप स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा, स्ट्रगल तब होती है जब आप कोई ऐसे काम में झोंक दिए जाए जो आप इंटरेस्ट करना नहीं चाहते, आपको इंटरेस्ट करना जैसे एहसास हो। ये इनके साथ कैसा लगा काम करके? क्योंकि जो ऑडिशंस होते हैं बहुत फ्री एंड फेयर, जहाँ तक मुझे समझ में आया, इससे पहले भी मैं 3-4 बार कोशिश कर चुका था, नहीं बोला। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक शो है चूना, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका द स्ट्रगलर चैनल के फेवरेट सेगमेंट द स्ट्रगलर टॉक शो में। आज हमारे साथ हैं Amazon मिनी टीवी पे भी रिसेंटली आई हाफ सीए के मेन किरदार जिनका नाम है ज्ञानेन त्रिपाठी। मैं बेसिकली भैया ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे वो है ना कि जैसे मैं किसी से मिलता हूँ, अगर मेरे से थोड़े बड़े हैं तो मैं उनको भैया ही बोलता हूँ। आप मुझे ज्ञानेंद्र ज्ञानी कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं आपको ज्ञानेंद्र भैया बोलूंगा। चलेगा। स्टार्टिंग में आज बात करेंगे हम हाफ सीए के बारे में, तो सबसे पहले आप अगर बताना चाहो कि इस फिल्म के बारे में या वेब सीरीज है इसकी, इस वेब सीरीज के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, तो बेसिकली देखो हाफ सीए एक वेब शो है 5 एपिसोड का, जो कि अमेजोन मिनी टीवी पर अवेलेबल है। टीवीएफ ने इसको प्रोड्यूस किया है और मैं, एहसास चना, रोहन, अनमोल, प्रीत कमानी, ऐसे 4-5-6 एक्टर्स हैं जो कि मुख्य किरदार में हैं, जिसको आप कहते हैं। बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं और इसको हमारे डायरेक्टर साहब हैं सतीश मेहता, उन्होंने डायरेक्ट किया। ये कहानी बेसिकली घूमती है कुछ सीए बनने के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके और उनकी क्या स्ट्रगल है, इस एग्ज़ाम की क्या अहमियत है उनकी ज़िंदगी में, और कैसे जब तक वो नहीं बनते हैं तब तक सोसाइटी उनको कितना सपोर्ट करती है किसी लेवल पर, किसी किसी लेवल पर डीमोटिवेट भी करती है। तो मुझे लगता है सीए एक बैकड्रॉप है, लेकिन ये लागू होती है कहानी हर किसी का। आपका बस स्ट्रीम अगर आप चेंज भी करते हैं किसी और फील्ड के भी अगर आप हैं, तो भी आप पाएंगे कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। ये तो है, मैं भी इसका इस एपिसोड देख रहा था। मैं पहला एपिसोड देखा, बेसिकली मैं भी कॉमर्स से ही हूँ। अच्छा। तो मैं बहुत मतलब वो कर पाया, कनेक्ट कर पाया, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में वही 11th-12th में गया था तो मेरे घर वालों ने कहा था कि सीए करना, लेकिन जब उसके बारे में पता चला कि 2% ही खाली इसकी क्वालिफाई कर पाते लोग, तो मैं भी थोड़ा सा पीछे आ गया, क्योंकि मैं भी मीडियम मतलब ऐसा स्टडी में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ठीक था। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मेरी लाइन वो नहीं है। पर हाँ, मैं जो और चीज किया हूँ तो वो मैं रिलेट कर पा रहा था जब मैं सीरीज देख रहा था, कि मैं भी बाहर गया हूँ स्टडी करने, तो बट टची साथ था वो, कोई नहीं। पर अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ से हो आप, कैसे मतलब इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? भविष्य में बेसिकली रीवा करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, उसमें उस जिले में एक गाँव पड़ता है बराव, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद मैं 2.5-3 साल का था, तो मेरे पिताजी जॉब करते थे भोपाल में, क्योंकि भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो मैं वहाँ आ गया। तो मेरी पढ़ाई लिखाई और परवरिश जो है पूरी भोपाल में, तो आप कह सकते हैं कि मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। बाकी मेरे बहुत सारे एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो अभी भी गाँव में रहती है, रीवा में। इलाहाबाद के पास? जी, इलाहाबाद, तो आस पास है। तो वहाँ से बाकी स्कूल कॉलेज जो था वो, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया था बीएससी और भोपाल में किया। उसके बाद मैं पूना शिफ्ट हुआ, पूना में एक कॉल सेंटर थी उसमें जॉब किया 2-2.5 साल, और फिर फिल्म इंस्टीट्यूट की पूना में था और मुझे वहाँ जाना था तो सीखने के लिए। अच्छा। तो इस चक्कर में मैं चाह रहा था पूना, पहले मैं भोपाल से पूना पहुँचूँ, फिर पूना से इंस्टीट्यूट में आना जाना समझ में आसान रहे। तो वो करते हुए फिर एक मुझे भी 2 अटेम्प्ट लगे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था एग्जाम। हाँ, तो जो लास्ट राउंड होता है वर्कशॉप, वहाँ से मैं जैसे उसमें ये हाफ सीए में भी एक लास्ट राउंड बैठा हुआ है, तो उसमें बाहर हो गया था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो तो वो किया। उसके बाद फिर 2011 में मैं बॉम्बे आया, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो एक नॉर्मल आपका तौर तरीका होता है ऑडिशन ढूंढना, जाके चेक करना, वो सब। मैं भी एक अटेम्प्ट दिया हूँ FTI का। अच्छा, मैंने दिया था 2018
18 अभी रिसेंटली मैं उसके बाद जब दिया पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं मुंबई आ गया। तो यहाँ मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई नहीं किया कोई नहीं पर वो तो हाफ सीए की बात हो रही है। अच्छा ये बताइए कि हाफ सीए का मतलब क्योंकि जो ऑडियंस है हमारी ये बहुत ज्यादा एक्टर्स है तो इनको ये जानना रहता है और मुझे भी बेसिकली मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि हाफ सीए का आपने ऑडिशन कहाँ दिया और किसको दिया। एक कंपनी है कास्टिंग वाला कंपनी आशीष की है तो आशीष का मुझे फोन आया। मैं एक फिल्म शूट कर रहा था नासिक में उस टाइम पर शूट के बीच में दो तीन चार दिन का गैप था मेरा एक हद ख़त्म ही की दिशा मेरा शूट तो मुझे फ़ोन आया कि ज्ञान में एक शो है PVF का तो और हाफ सी नाम का और आप ऑडिशन दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जब एक्सप्लेन किया कि एक नीरज भैया का गैप तो मुझे लगा कि PVF का एस्पिरेंट और जो बाकी शोज थे बोला करते इसके बारे में मुझे पता था मैंने देखा नहीं था सारे बट मुझे पता था क्योंकि आप पढ़ते जानते दोस्त हैं सब तो और क्योंकि इंस्टाग्राम और उसके जरिए उसके सीन्स वगैरह भी आते रहते हैं तो मुझे आइडिया था कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो उन्होंने मुझे बुलाया जब कास्टिंग वाले उन्हें आशीष भाई मैंने कहा कि मैं कर चुका हूँ इससे मिलता जुलता कैरेक्टर पर उन्होंने कहा फिर भी आप आ जाओ मिल लो ये सेम नहीं है मामला। तो मैं गया और उन्होंने सीन भी भेजे थे मुझे कि आप एक बार इसको हम पढ़ेंगे ऑडिशन करेंगे। मैंने कहा हाँ ऑडिशन में कोई दिक्कत नहीं है वो तो धर्म हमारा करनी है। तो मैं गया और मैंने कहा कि चलो ठीक है ऑडिशन कर लो फिर बाद में देखेंगे। तो ऑडिशन करके भेजा डायरेक्टर साहब ने फिर मीटिंग के लिए बुलाया और उन्होंने जब एक्सप्लेन किया कि क्या कैरेक्टर है और कैसे ये अलग है जो मैं ऑलरेडी मुझे लग रहा था कि मैं कर चुका हूँ तब मुझे लगा कि नहीं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात PVF के साथ आपको काम करनी वो हर एक्टर चाहता है कि उनके साथ आप जुड़े क्योंकि स्टोरी और उनकी पकड़ स्टोरी टेलिंग बहुत मजबूत है वो एकदम रूट से पकड़ वो रखते हैं। हाँ और उनको पता है कि अपनी ऑडियंस उनकी ऑडियंस कैसे सोचती है क्या चाहती है उनकी एस्पिरेशंस क्या है वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं उनके साथ वो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी दो तीन बार दिया ऑडिशन लेकिन अभी तक क्रैक नहीं कर पाया। हाँ मेरा भी बहुत तीन चार अटेम्प्ट के बाद ही हुआ है। तो एक बहुत ही मतलब ऐसा सवाल आ रहा था कि जैसे आप इतने काम कर चुके हैं ऑलरेडी क्योंकि ये मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी ऑडिशन देता रहता हूँ तो क्या हर जो स्क्रिप्ट आती है तो उसके लिए आप ऑडिशन देते ही होंगे तो वो जो स्क्रिप्ट रहती है वो कितनी मतलब दो मिनट तीन मिनट कितनी लंबी रहती है क्योंकि आप जैसे नया कोई एक्टर है तो उसके लिए तो चलिए मान सकते हैं कि वो एक पेज की हो या चार पांच लाइन की हो लेकिन आप इतना काम कर चुके हो तो आप पे भी वही चीज लागू होती है या फिर कुछ छूट रहती है। छूट बस इतनी होती है कि काम आप इतने सारे सालों से ऑडिशन जब दे रहे हो तो कास्टिंग सारे लोग आपको जानने लगते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं आपका नाम क्या है आप एक परसेप्शन भी बनता है किस किस्म के एक्टर हैं। तो होता ये है कि शुरुआत में तो आपको वही होता है दो एक लाइन दो लाइन एक सीन दो सीन लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके आपको इम्पोर्टेंट सीन मिलते हैं तो आपको सीन का जो फ्लेवर होता है वो बदलता जाता है। तो दो अब जैसे मुझे दो से तीन सीन मिलते हैं ऑडिशन पे क्योंकि वो प्राइमरी अगर कैरेक्टर है तो उसको एक सीन में आप जज नहीं कर सकते कि ये एक्टर पुल ऑफ कर पाया कि नहीं तो उसके अलग अलग जो मोमेंट्स होंगे सीन के अंदर वो मिलेंगे। तो दो से तीन सीन तो आपको जैसे जैसे आप बड़े कैरेक्टर्स की रोल जब देते हैं ऑडिशन तो अक्सर ये होता है कि आपको दो से तीन सीन देने होते हैं ऑडिशन। ओके ठीक है समझ गया। नहीं ये सबके साथ होता जी, है जी जी। आप जैसे पता है कि आप 2011 में मुंबई आए जी और 11 के आने के बाद अभी हो रहा है 2023 ऑलमोस्ट 12 साल ठीक है आप 11 साल जी। तो इस बीच की आप अपने अगर स्ट्रगल स्टोरी सुनाना चाहो क्योंकि चैनल का नाम द स्ट्रगलर है तो अगर आप अपने बारे में बताओ कुछ। यार मैं स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा स्ट्रगल तब होती है जब आप कोई ऐसे काम में झोंक दिया जाए जो आप इंटरेस्ट करना नहीं चाहते आपका इंटरेस्ट का नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों से मैं कहूँगा कि अपने आप को आप स्ट्रगलर कहने से ज़्यादा है कि एस्पिरेंट कह लें ज़्यादा पॉजिटिव नाम है या फिर और कुछ कह लें क्योंकि हर शब्द की ना एक साइकोलॉजी होती है। तो वैसी दुनिया आपको स्ट्रगलर और दुनिया भर की चीज़ें कहती हैं अलग अलग नाम से। तो अगर आप खुद को भी उसी टर्म से वो करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्योंकि इस सफ़र में इंतज़ार बहुत लंबे होते हैं कई बार साल साल भर आपके पास काम नहीं तो उस दौरान आप एक माइंडसेट बना लेते हैं कि यार स्ट्रगल चलने चाहिए जबकि असल में देखा जाए तो आप
बहुत सारे लोगों से हम लोग इस मायने में खुशकिस्मत हैं कि हम वो काम करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं अपने मन का काम। तो स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, हाँ इंतज़ार लंबा हुआ और वो सबका ही होता है, और पर अच्छी बात ये थी कि मुझे कभी स्ट्रगल लगा नहीं। काफ़ी सारे लोग थे तो मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से आया था, तो जब आया तब भी नहीं लगा कि शहर नया है, क्योंकि सनी हिंदुजा विजय भाई विजय और शशि भूषण भुवन मेरा बैचमेट है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि करीब करीब एक साथ आए थे। तो जब आप किसी शहर में आते हैं तो आपको अगर वही चेहरे दिख जाए बात करने के लिए मिलने के लिए जिनके साथ आप पहले थे, तो आपको वो शहर नया नहीं लगता, और फिर पता चलता है कि सबके साथ यही हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है यार, मतलब फिल्म इंस्टीट्यूट मैं अगर अपनी लाइफ को देख पाऊँ तो मुझे लगता है फिल्म इंस्टीट्यूट के पहले का लड़का और वहाँ से निकल के बाद का इंसान, ये बहुत अलग इंसान मिल के निकला वहाँ से, क्योंकि एक तो जो आज़ादी जो फ्रीडम वहाँ पर है आपको, वो इंस्टीट्यूट है लेकिन उस मायने में एक मायने बहुत अलग है कि आपको टास्क है, आपके पास आपकी क्लासेस हैं, सब कुछ है, पर आपके पास आज़ादी भी बहुत है कि नेचर ही ऐसा है कि आपको ज़रूरी नहीं कि क्लासरूम के यहाँ अंदर बैठ के ही आपका कोई डिस्कशन होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास ख़त्म हो गई और कोई सवाल आपके दिमाग में रहेगा जहन में, तो टीचर के साथ आप कैंटीन में बैठ के बात कर सकते हैं, वहाँ आप बात कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट से। तो एक तरह से आप सिनेमा को अपने क्राफ्ट को, जिस भी क्राफ्ट के लिए आप वहाँ पर हैं, सिनेमाटोग्राफी है, एक्टिंग है, उसको दिन रात सोते जागते उठते बैठते आपको डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए लोग अवेलेबल हैं। मुझे लगता है वो बहुत मैटर करता है। वो दो साल मतलब अंदर ही रहते हैं आपको, कैंपस ही आपकी दुनिया होती है, इसलिए कई बार आप बड़ा मिस भी करते हैं उसको, और वो जो कनेक्शन बनता है आपको लगता है कि कई बार लोग अपने घर से ज़्यादा इंस्टीट्यूट मिस करते हैं, क्योंकि वो पहली बार आपको ऐसी आज़ादी जो आपकी है और उस आज़ादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो भी वो भी आपकी है कि उसको कैसे यूज़ करना है। आप बता रहे ना तो मैं थोड़ा सा, मैं क्या क्यों मैंने दूसरा अटेम्प्ट नहीं लिया, दो या तीन लेना चाहिए था। अच्छा अभी भी ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैंने दिया था तब तो एक्टिंग में तो नहीं थी, अगर अब क्योंकि रूल्स बदलते रहते हैं तो लेटेस्ट मुझे आइडिया नहीं, आप चेक करना ऐसे कुछ करना बिल्कुल कीजिए। अच्छा आपने मतलब आपके जो को एक्टर्स जैसे एहसास हो, ये इनके साथ कैसा लगा काम करके, क्योंकि बहुत टाइम से ये लोग ऑलरेडी टीएफ के साथ जुड़े हुए हैं। जी एहसास की सबसे अच्छी बात ये है कि वो सुनती बहुत अच्छे से, मुझे जितने भी लोग एक्टिंग को परस्यू कर रहे हैं वो जानते हैं कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक्टिंग में। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो रिएक्ट कैसे करेंगे। वो इतने बढ़िया तरीके से सुनती है कि उसकी आंखों में दिखता है कि वो आप जो कह रहे हैं वो उस तक पहुंच रही बात और इफेक्ट होती है उससे। लिसनिंग सिर्फ सुनने की एक्टिंग नहीं होती, मतलब बाकी मैं अगर आपको कोई बात कहूँ और आप पे उसका असर ना हो तो आपने सुना नहीं उसको, है ना, तो वो सुनती है। और उसके अलावा बाकी तो उसने इतने सालों से काम किया है छोटी सी तब से इंडस्ट्री में, वही अब बहुत टाइम से उनको देखे हुए हैं, तो वो सारे सालों का एक्सपीरियंस, मतलब मैं उस मजाक में कहता भी हूँ कि उम्र में मैं तेरे से बड़ा हूँ लेकिन वैसे तो मेरे सीनियर है। और सच भी है। अच्छा जैसे आप सीएपीए, ये टीवीएफ का प्रोजेक्ट है, अगर टीवीएफ के जैसे और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो उनके भी ऑडिशन ऑलरेडी जैसे आशीष भैया होंगे वो कर रहे हैं या टीवीएफ वाले खुद कर रहे हैं, तो अगर वहाँ तक जैसे जो बच्चे देख रहे हैं उनको जाना है तो क्या करना रहेगा उनको? कुछ नहीं दोस्तों, टीवीएफ के जो ऑडिशन होते हैं बहुत फ्री एंड फेयर, जहाँ तक मुझे समझ में आया, इससे पहले भी मैं 3-4 बार कोशिश कर चुका था, नहीं हुआ मेरा, अलग बात है, पर पहले कास्टिंग बे किया करते थे तो अलग प्रोजेक्ट बेस पे उनके वो असाइन करते हैं, उनकी अपनी खुद की भी एक टीम है जहाँ पर लोग हैं इन हाउस जो कि अगर वो फिट होते हैं उस पार्ट में तो ऑब्वियसली वो उनकी कास्टिंग होगी, और बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग एज ग्रुप या फिर किसी और वजह से कि वो कैरेक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके डेटा बैंक में, तो देन दे विल असाइन दैट जॉब कि बाहर से कोई करे। तो ऐसे तो मुझे नहीं पता कि किसको, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन,
तो जैसे मुझे आशीष ने बुलाया वैसे उसके आप रूप से दिन कोई आशीष या गौरव या वह कोई उसका कास्ट डायरेक्टर बुलाए और ऑल द बेस्ट। एक जाते जाते लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ कि हाफ सीए में क्या मज़ेदार था? हाफ सीए मज़ेदार था कि मुझे अपनी कॉलेज का जो दौर था जब मैं इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहा था फिल्म इंस्टीट्यूट की, उस टाइम पर जो मेरी मानसिक स्थिति थी, जो एस्पिरेशंस थी, मेरी जो ड्रीम्स थी, जो जो मेरे साथ हो रहा था, नीरज गोयल और मोर और लेस उसी स्पेस में है। तो 10 साल बाद तकरीबन 10-12 इनफैक्ट 2007-08 में दिया था मैंने इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम, तो इतने सालों बाद मुझे वापस वो रिलीव करने का मौका मिला, क्योंकि मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ नहीं, तो मैं सिर्फ इसी तरीके से ड्रॉ कर सकता था कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या चाहता था, और मैंने भी कुछ ऐसे बड़ा सा सपना देखा था कि जो कि खानदान में कोई नहीं ये सब करने वाला, ये तो उस हिसाब से मेरे लिए रिलेटेबल था कि नीरज गोयल जो है वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में हुआ इस टाइम, उसको जीना होगा। मैंने अभी तक पहला एपिसोड ही देखा है जी, और पहले एपिसोड में आपको और लिटरली मजेदार लगा पूरा एपिसोड वैसे तो, और पर आपकी जो रील वायरल हो रही है जो आप शायद अपने फादर से कह रहे हो कि आपने भी तो 3 साल ट्राई किया जी, वो लिटरली मतलब देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी मैंने पूरा देखा नहीं है बट मैं आज पूरा देख लूंगा जी, और अच्छा लगा वैसे आपसे बात करके। और अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप बताना चाहो। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक शो है चूना, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। मैं भी हूं उसमें। आप भी हैं? वाह वाह, क्या बात है। लखनऊ में शूट हो रही है। हां मैं भी हूं। अच्छा, तो चूना रिलीज होगा तो हम दोनों का शो होगा। उसके अलावा एक फिल्म भी की है मैंने, एक्सेल की फिल्म है, वो शायद इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज होगी। एक्सेल की है जी, Amazon पे। अब वो वेब सीरीज है कि फिल्म है? फीचर फिल्म। अभी उनका प्लेटफॉर्म पता चलेगा क्योंकि उसमें भी मैं हूं। अच्छा, मैं भी एक्सेल के साथ एक काम कर रहा हूं, वेब सीरीज है। मतलब हां, नासिक पे शूट किया आपने? नहीं नहीं, मैं यहीं से हूं, मुंबई में शूट किया। अच्छा, ओके। पर उसका मैं अलग-अलग वो था, कहते जैसे कभी मैंने साउथ बॉम्बे की साइड शूट किया है, कभी कांदिवली, मतलब मैं 20-25 दिन मैंने शूट किया उसको। ओके, देन ये दूसरी फिल्म। तो उस फिल्म का बॉम्बे में इतना दिन शूट था नहीं। हां, वो हमने मोस्टली नासिक शूट किया। आपको भी अच्छा लगा होगा, बहुत ही छोटा सा शॉर्ट टॉक की है। और आपको कैसा लगा एक बार अगर आप बताना चाहो? बहुत मजा आया मुझे आप लोगों से बात करके, और एक तरह से मेरा एक पहला इंटरव्यू है जो मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे स्मॉल छोटे स्वीट सवाल, और मैं समझ सकता हूँ इस तरह के सवाल मेरे पास, मैं भी इन सवालों से गुजरा हूँ, तो जो लोग भी इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन लोग वो क्यों इसे पसंद करते हैं और क्यों रिलेट करते हैं, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। बस लगे रहिए दोस्तों, एक ही तरीका है हमारे पास, हटना नहीं है। अगर आप हट गए ना, मतलब एक ही तरीके से आप हार सकते हैं या फिर आपका सपना जो है वो पूरा नहीं हो सकता, अगर आप छोड़ दें मैदान, जब तक आप मैदान में हैं तब तक चांसेस, उम्मीदें सब बनी हुई है। ठीक है, थैंक यू, आपने इतना समय दिया।